नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। आ गया है यारों का यार होस्ट राहुल हो। बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 की विजेता दिव्या अग्रवाल की अगर बात करें दोस्तों, तो हम सबको पता है कि दिव्या अपनी कंट्रोवर्सीज के चलते काफी ज्यादा लाइमलाइट पे रही है। सबसे पहले तो आपको बता दूं तो प्रियांक शर्मा के साथ उनका रिश्ता काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय रहा। फिर उसके बाद उनकी जिंदगी में आए दूसरे अभिनेता, जो कि आपको याद होगा कि उन्होंने एक रियलिटी शो भी जीता था जो कि एस ऑफ स्पेस था। एंड फिर उसके बाद वो आती हैं बिग बॉस में। दिव्या आई बिग बॉस में और बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 को वो जीतते हुए नजर आई और जीत कर वो आगे बढ़ गए। उसके बाद वो गेस्ट बनकर भी आई थी बिग बॉस सीजन 15 में, जहां पे उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। अब दिव्या की अचानक से सोशल मीडिया हाईलाइट हो जाती है, जहां पे दिव्या की ऑलमोस्ट शादी की सारी फोटोज डिलीट हो जाती है। मीडिया में स्पेकुलेशन, रूमर्स का राउंड, सारी चीजें आने लग गई कि भाई दिव्या की शादी तो टूट गई। आपको बता दूं तो दिव्या और उसके लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड के बीच में दरार पड़ गई थी, जिसकी वजह से दिव्या ने एक अलग ही बिजनेसमैन के साथ शादी करी। और हम सबको पता है कि काफी ज्यादा दिव्या को उस बात को लेकर भी ट्रोल किया गया था कि शी इज अ गोल्ड डिगर। लेकिन अब दिव्या की अगर बात माने तो दिव्या ने इन सारी बातों का खंडन करा और बोला है कि भाई कुछ ऐसा डिवोर्स वोर्स नहीं है, मेरा पति मेरे बगल में ही सो रहा है और स्नोरिंग कर रहा है, यानी कि खराटे ले रहा है। आप लोगों को बता दूं दोस्तों, तो दिव्या अग्रवाल की यही बातें हैं जहां पे उन्होंने ये बात कही कि अभी तो बेबीज की बात आनी है, डिवोर्स कहां से हो गया। और जहां तक बात हुई, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम में कुछ टेक्निकल इश्यूज आए जिसकी वजह से कुछ कुछ फोटो, मैं हैरान हूँ कि लोगों को सिर्फ शादी की फोटो नजर आई लेकिन कुछ कुछ बहुत सारी फोटोज जो हैं वो डिलीट हो गई। तो भाई ये एक बड़ी बात सामने आई है, ऐसे में आपको क्या है कहना, कमेंट कीजिए बताइए। और देखते रहें आपका फेवरेट चैनल जिसका नाम है टेली खजाना।